नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। राजस्थान में दोस्तों होमगार्ड ड्राइवर और ड्रम मैन की कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें कि होमगार्ड के पद थोड़े से ज़्यादा हैं। ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी दोस्तों वैसे कम निकाली गई हैं। कुल पदों की बात करें तो 135 पद हैं, जिसके अंदर 111 होमगार्ड, 20 ड्राइवर और 4 ड्रम मैन के पद, जो ड्रम बजाने वाले होते हैं उनके पद हैं। तो अच्छे से दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप राजस्थान या फिर आसपास के किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खोल दिए जाएंगे, जिससे कि आप भली भांति अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक एक करके दोस्तों चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें योग्यता वगैरह और सिलेबस वगैरह रहने वाला है। तो कुल पद जैसा कि हमने आपको बताया 135 कुल पद हैं। योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें 8वां पास मांगा गया है, सिर्फ आप 8th पास हैं तो इस पद के लिए आप आसानी से आवेदन दे सकते हैं। वही अगर हम बात करें एज कितनी है, तो 18 से 25 साल तक के कोई भी युवा, ये एज में थोड़ा सा बाउंडेशन है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज डिसाइड की गई है। तो आप देख लीजिए नोटिफिकेशन अच्छे से, जब रीड करेंगे और फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। फीस की बात करें दोस्तों तो 500 रुपये जनरल से लिए जाएगी और 400 रुपये जो फीस रहेगी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों से लिए जाएंगे। हाइट की बात करें दोस्तों तो 1.68 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट की हाइट इसमें होनी चाहिए, जो ओबीसी के लिए भी मान्य होगी। महिलाओं के लिए थोड़ी सी हाइट दोस्तों यहाँ पे छूट रहती है, जैसा कि आप जानते हैं 1.52 सेंटीमीटर रहने वाली है। पहाड़ी महिलाएं जो रहेंगी यहाँ पर दोस्तों, पहाड़ी पुरुष या पहाड़ी महिलाओं, उनके लिए एज में भी छूट रहेगी और आगे चेस्ट वगैरह में भी छूट उनको देखने को मिलेगी। जो जनरल महिला रहेंगी दोस्तों उनके लिए 1.52 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और उनके लिए वजन का क्राइटेरिया पूरा करना होगा, 47.5 किलो से कम उनके अंदर वजन नहीं होना चाहिए। और वहीं पहाड़ी महिला जो होंगी उनके 43 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में होना जरूरी है। दौड़ की बात करें दोस्तों तो यहां पे दौड़ जो लगाई जाएगी 5 किलोमीटर की दौड़ आपसे लगवा के देखी जाएगी और जिसका समय नियत किया गया है 30 मिनट। यहां ये समय दोस्तों महिलाओं के लिए अलग रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रहेगा, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा। तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उससे पहले इसका नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा एक सवाल ये रहता है कि सर इसमें सैलरी होमगार्ड में क्या मिलती है, क्योंकि इसका कोई नियत वेतन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि महीने में सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप जितने दिन ड्यूटी करते हैं उतने दिन का ही पेमेंट आपको दिया जाता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें दोस्तों तो 615 रुपये वर्तमान में इन लोगों को मिल रहे हैं। इसकी राजस्थान जो होमगार्ड है उनकी तरफ से 685 रुपये करने के लिए मांग काफ़ी समय से उठाई जा रही है। मतलब 685 रुपये पर डे के हिसाब से इनका वेतन किया जाना चाहिए और काफ़ी सारी सरकारों ने वायदे भी किए हैं कि हाँ हम इनका वेतन आने वाले समय में बढ़ा देंगे, लेकिन वर्तमान में इनको 615 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट दिया जा रहा है। आगे भी बात करेंगे कि इनकी ड्यूटी वगैरह का प्रारूप क्या रहता है, इन सब पे भी हम बात करने वाले। परीक्षा प्रारूप देखें दोस्तों तो ये परीक्षा जैसा कि आपको पता है इसके लिए परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरिट वगैरह पे ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो लिखित परीक्षा के लिए प्रारूप है दोस्तों 120 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होनी है। शारीरिक दक्षता के आपको 20 अंक दिए जाएंगे और विशेष योग्यता के आपको 20 अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा का तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन विशेष योग्यता को लेकर के आप कंफ्यूज होंगे कि ये 20 अंक विशेष योग्यता में कौन से आते हैं। तो इसमें ओ लेवल कंप्यूटर हो सकता है, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या फिर आपके पास होमगार्ड वगैरह में इससे पहले आपने ड्यूटी वगैरह कुछ की हो तो उसके लिए विशेष योग्यता निर्धारित की जाती है, इसके लिए अलग से नंबर दिए जाते हैं। या फिर आपने प्रादेशिक सेना जो होती है टेरिटोरियल आर्मी, उसमें आपने सेवा की है 5 साल 3 साल या फिर 2 साल, तो उसके ये इसको विशेष योग्यता में रखा जाता है और एनसीसी को तो रखा ही जाता है, आप जानते हैं। लिखित परीक्षा का जो प्रारूप है दोस्तों उसके लिए सिलेबस रखा गया है, जीके 30 अंक का पूछा जाएगा, रीजनिंग इसमें 30 अंक का आपसे पूछा जाएगा और राजस्थान जीके का ज्ञान, यानी कि राजस्थान पूरा ही भूगोल, इतिहास, कल्चर, ये सब आपको आना चाहिए, 60 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये टोटल जो परीक्षा हो जाएगी दोस्तों 120 अंक की हो जाएगी, 20 अंक ये 20 ये, तो ये लगभग आपको 160 अंक देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ दोस्तों इसका परीक्षा प्रारूप। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ें, रेस वगैरह कितनी मांगी गई है, इसका ऑनलाइन किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आप ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से भर सकते हैं। इसके लिए एक आईडी बनानी पड़ती है, एसएसओ आईडी होती है, उसको आप अच्छे से आईडी बना के आप अपना फॉर्म किसी भी साइबर कैफे या खुद से भी कंप्लीट किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, काफ़ी सारे दोस्तों का
यहाँ पे ये रहता है कि सर ये जो होम गार्ड वाले होते हैं इनको परमानेंट कर्मचारी नहीं माना जाता। बिल्कुल सही बात है, इनको परमानेंट कर्मचारी नहीं माना जाता। ये क्या होते हैं, जो प्रदेश पुलिस होती है हमारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, जहाँ की भी जो भी पुलिस है, वो इनको इमरजेंसी में बना के रखती है। इमरजेंसी का मतलब आपात की स्थिति में ये पुलिस की मदद पे काम आते हैं। जहाँ पे स्टाफ कम होता है उस टाइम इनको याद किया जाता है होम गार्ड्स के लिए। अब इनकी ड्यूटी ज़्यादातर आप देखते होंगे जो ट्रैफिक पुलिस के साथ लगाई जाती है ना, थाने में अगर स्टाफ कम है तो उस टाइम लगाई जाती है। चुनाव के दौरान में इनकी ड्यूटी ज़्यादा देखने को आपको मिलती होगी। तो देश में जब कोई काम अलग से चल रहा होता है, फिर कोई आपात की स्थिति बनी होती है, ऐसी कंडीशन में होमगार्ड को याद किया जाता है। लेकिन स्टाफ पुलिस का कम होने के कारण इनकी ड्यूटी लगातार लगभग चलती ही रहती है, चाहे थाने में हो, ट्रैफिक पुलिस में हो, चुनाव में हो। चुनाव वगैरह भी हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में होते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि मतलब इनको ड्यूटी मिलती नहीं है, इनको काफ़ी सारी ड्यूटी मिलती है। महीने में लगभग 7 से 8 महीने ये जॉब करते हैं। अगर स्टाफ ज़्यादा है तब इनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है कि अभी आप की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का इनका काम रहता है, वही काम रहता है जो कांस्टेबल का रहता है, जो आरक्षी होते हैं राज्य सरकार के, उन्हीं की तरह दोस्तों इनका काम रहता है। इनका इनके काम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि इनको कोई अलग काम करना होता है और आरक्षी को कोई अलग काम करना होता है, लगभग समानता ही होती है इन दोनों के काम में। तो आप दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे, पद थोड़े कम हैं, लेकिन अगर आप जाने के इंटरेस्ट हैं तो आप अच्छे से अपनी सीट एक निश्चित कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी, सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप अच्छे से इसके ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन अपना दे सकते हैं। 24 नवंबर यानी कि कल से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे आप लोगों से एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।